हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन चलिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आप लोग कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हैं, और अगर आप सही बच्चों ने आपका एक्सटर्नल का जो पेपर है यानी सेमेस्टर का जो फाइनल सेमेस्टर होता है, जैसे आपने सेमेस्टर वन का इंटरनल दिया फिर सेमेस्टर वन का एक्सटर्नल दिया, अगर आप उस पेपर को नहीं दे पाते किसी कारणवश, आप एब्सेंट हो जाते हैं, तबियत खराब हो गया, कोई कारणवश किसी भी, अगर आपका एक पेपर छूटता है दो पेपर छूटता है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस वो पेपर आप लोग किस प्रकार क्लियर करिएगा, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो कैसे जानकारी वो आपको हर यूनिवर्सिटी के बेसिकली काम देने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। देखिए, आप किसी भी स्टूडेंट है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूजी के स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट यानी या पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पीजी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत, यूजी कर दोनों के लिए अप्लाई होगा। आपका दो प्रकार का एग्जामिनेशन होता है, आपको मालूम होगा, एक इंटरनल का पेपर होता है, एक आपका एक्सटर्नल का पेपर होता है। इंटरनल पे कैसे एब्सेंट होने पे क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ये वीडियो पसंद भी आया हुआ है तो ये वीडियो देख लीजिएगा। एक्सटर्नल पर अगर एब्सेंट होते तो क्या करना है आपको, देखिए टोटल आपका एक्सटर्नल पेपर में जितना पेपर है, मैं मान के चलता हूं कि चलिए आपका एक पेपर है, यहां बॉक्स में यूज कर रहा हूं, दो पेपर हो गया, तीन पेपर चलिए मान के चलता हूं, यहां पे चलिए चार पेपर होता है। अगर आप अपने चार पेपर में से किसी एक सेमेस्टर में चलिए एक पेपर एब्सेंट हो गए, मैं लिख देता हूं एब्सेंट हो गए, यानी आप अनुपस्थित रह गए, तो आपको क्या करना है भाई, दो पेपर में फेल हो गए तो क्या होगा भाई, तीन पेपर, कोई पेपर नहीं दिया, कुछ भी नहीं होगा, समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले आप बोलिएगा सर हमारा रिजल्ट तो क्या है, वो तो पहले बताइए भैया, आपका रिजल्ट तो आएगा फेल आएगा, या फिर अगर आप लोग और सेमेस्टर इवन सेमेस्टर रूल चलता है तो अगर और सेमेस्टर में तो आपको प्रमोटेड आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए तो रिजल्ट आपको फेल आएगा, चाहे एक पेपर में हो चाहे दो पेपर, बोलिए सर फेल हो गए अब क्या होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी जिस भी सेशन में पढ़ रहे हैं, जो करेंटली सेशन चल रहा है, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चा चलिए 2021-24 सेशन एडमिशन लिया था, बोलिए उसका कैसे आपका सेशन क्लियर होगा, तो इसके बाद का जो सेशन रहेगा ना 22-26 सेशन, बोलिए उनका तो न्यू कैंपस लगा हुआ, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी एक स्पेशल एग्जाम से कनेक्ट करेगा जिसके थ्रू आपका कर क्लियर हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। तो स्पेशल एग्जामिनेशन हो या फिर आपके पिछला एक अगला सेशन, सॉरी एक अगला सेशन जो आपके साथ चलेगा उसके साथ आपको देखिए ये पेपर क्लियर करना पड़ेगा, बोले क्लियर तो कर लेंगे सर, फिर हमको सेमेस्टर से जाने दिया जाएगा, बोले आप जिस भी सेशन में ना आपको सेमेस्टर फाइनल जो सेमेस्टर पहुंचता है ना उस तक सारा पेपर क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, फाइव को छोड़ के लगभग लगभग, ठीक है, तो वो पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सटर्नल फेल होते हैं ना तो पहले बता दीजिए, अगर आप एक्सटर्नल फेल होते हैं तो आप इंटरनल भी दे दीजिएगा एक्सटर्नल भी दे दीजिएगा, सर इंटरनल का है हम तो पास है। देखिए कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में होता क्या है, आप लोग इंटरनल देते हैं ना वो यूनिवर्सिटी नंबर आपको इंटरनल नहीं भेजता, फिर आपको यूनिवर्सिटी अटका देता, तो गलती किसका था, आप तो इंटरनल पेपर देकर आए थे, आप पास मार्क्स भी था लेकिन आपको यूनिवर्सिटी आपका नंबर भेजा नहीं तो आपको तो रिटर्न किया रिजल्ट, तो इसीलिए इंटरनल अगर दे दीजिएगा तो सेफ जोन में रहिएगा, वरना एक्सटर्नल जिस भी पेपर फेल है उसको आपको अपने अगले सेशन यानी नेक्स्ट सेशन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। अब बोलिए सर नेक्स्ट सेशन क्लियर जो कर लेंगे उसका सिलेबस हमारा सिलेबस का सेम रहेगा, मैं देखिए बच्चों अगर आपका सेशन, देखिए आप लोग क्वेश्चन करते हैं, अभी जो सेशन 2022 से स्टार्ट हुआ है, 22 से 26, 23 से 27 इनका तो चलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एडमिशन हुआ है तो इनका सेशन सिलेबस सेम रहेगा, बाकी कोई इससे प्रीवियस का 21-24 का है या 20-23 का है या चलिए 19-22 का, तो इन सभी सेशन का लगभग लगभग क्या सिलेबस हर बार चेंज नहीं होता, क्या चेंज करेगा बताइए ना, कोई छोटा बच्चा क्लास है कि हर बार क्लास गया तो स्कूल वाले का बुक बदल देता है, चल रहा नहीं चलता, जो बन गया वही चलते आता रहेगा, तो उसी के हिसाब से आपको अपने एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन से पहले भाई आपको टोटल याद रखिएगा 40% मार्क्स चाहिए, इंटरनल में 40% बचाना है, एक्सटर्नल 40% बचा, अगर इतना मार्क्स लेकर आते तो आपको सेम जोन में रहिएगा, तो एक्सटर्नल अगर एब्सेंट भी हो गए तो आप निश्चिंत रहिए, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, अगला सेशन साथ में पेपर क्लियर कर लीजिएगा। तो ये कुछ जानकारी था जो मैंने साझा कर दिया, आज तक वीडियो पसंद आएगा, पसंद है लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे वीडियो पे तब तक लिए जय हिंद जय भारत।